बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम शनिश्चराय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 11 विराट रूप। तस्मात् प्रणमय प्रणिघाय काय परसादये तवामहिमीश मीडणम पितेव पुत्रस्य सखेव वसखयु प्रिय प्रियार्हि देव सोडुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। अंत में गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिड़ाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृणता सहन लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, श्री कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई श्री कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण सहन करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अदृष्ट पूर्ण हर्षितोषम दृढ़ष्टा भयेन च प्रव्यथित मनो मे तदैव मे दर्शे देव रूप परसिद्ध दिवेश जगत्रिवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अंत आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगद निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुण्य दिखाएं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, अर्जुन को श्री कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देख कर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अन्य मैत्री भाव के कारण श्री कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका साक्षात चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और श्री कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का सब रूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में विभिन्न रूप में शंख, गदा, कमल तथा चक्कर के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों
के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप श्री कृष्ण के ही हैं, इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। किरीटिन गदिन चक्र हस्त मिछामि तवा दृष्ट महतथैव तेनेव रूपेण चतुर्जेन चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहुभ विषय मूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुक्तधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन निष्ठन। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम नरसिंह नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विषव रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वरी बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्ष्य है। श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्त्रेन तवार्जुने देव नेद रूप वर दर्शित मातम युगात तेजो मया विष्मनंत माग यन्मे तवंदन येन न दृष्ट पूर्णम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी से इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को किसी ने इस अधि असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य के भांति चमक रहा था और इसके मुख्य निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप श्री कृष्ण की उस अंतर शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस रूप विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिल्प भक्त शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की के जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु श्री कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वदा भिन्न थे।
यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। न विद्यज्ञ धया नैरन दाने नरच क्रिया विनरन तपो विरोग्य रे एव रूप शक्य अहं नृलोको दृष्टु तव दन्ये कुरु परवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे मेरे इस विश्व रूप को तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो श्री कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि श्री कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो सचमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, किंतु विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, यथा वेद यज्ञ ध्यान यने, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद यज्ञ यजु साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यंतर, इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दाने शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ को में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैश्य, इसी प्रकार क्रियाम्भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वच्छता से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या दान वेदान ध्यानन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलत वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं,
वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भक्तव का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। षड अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि श्री कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अंत पहले श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। श्री कृष्ण का भक्त कभी भी षटक अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। माते व्यथा माज विमूढ भावो दृष्टता रूप घोर मी दृढ़ ममैदम वैपेत भी प्रीत मना पुन सतव तदेव मे रूप मदी पशेष प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भगत, तुम समस्त चिंताओं से पुण्य मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप अब तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में विचलित था, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अंत कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसीलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जंधे कर्म नहीं कर सकते। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था। अंत उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभाति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। संजय उपाच। इत्यर्जुन वासुदेव सतथोक्त्वा सबक रूप दर्श्यामास भूय आशासयामास च भीतमेन भूत्वा पुन सोमयवपु मरमहात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को
धैर्य बंधाया। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जब श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अंत श्री कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो बाजुओं वाले भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सोमेयपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि श्री कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अंत उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुण्य से अपना सुंदर रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमार्जन चूरत भक्ति विलोचनेन, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही श्री कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। संजय उवाच, दृष्टदेन्द्र बा मानुष रूप तव सौम्य जनार्दन, इदानीम सिम संवृत सचेता परकीर्ति गदम। जब अर्जुन श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपने इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपने प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुष रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलत दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपवास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अंत भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि श्री कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। श्री कृष्ण ने सचमुख अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।